सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के बारे में। जैसा कि 1 अप्रैल 2023 से ये जो पोर्टल है उसका जो वेबसाइट है वो चेंज हो चुका है, अब एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसपे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के जो भी बेनिफिशरी हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस नए पोर्टल से किया जाएगा। हालांकि जो ये न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है इसमें जो बेनिफिशरी है वो भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो पोर्टल है, पुराना वाला पोर्टल था उस पर सुपरवाइज़र मैम, डाटा ऑपरेटर ही वहाँ पे लॉगिन करके जो रजिस्ट्रेशन है वो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी सेविका है वो भी अपने स्तर से जो बेनिफिशरी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो आइए इसी के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे कैसे इसमें आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप हमारे होम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 है उसको हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको ओपन कैसे करना है, जैसे कि हम यहाँ से पहले बैक हो जाते हैं, यहाँ से हम बैक करेंगे तो बैक आने के बाद आपको गूगल या गूगल क्रोम पे आके जब भी रजिस्ट्रेशन करना है इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे PMMVYNIC IN। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पुराना वाला वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आपको इस पर काम नहीं करना है, एक जो नया ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया गया है वो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। ये लिखा गया है PMMVY.NIC.IN। तो आप लोगों को इसे क्लिक करना है और इस पर ही आप लोगों को सारा जो कार्य है वो करना है। तो आप लोगों को ये जो वेबसाइट है उसको याद रख लेना है, PMMVY.NIC.IN, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक पट्टी दिखेगी, इसमें जो 3 लाइन दिया गया है वाइट कलर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक और नया पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सिटीजन लॉगिन और यहाँ पे PMMVY। ये जो सिटीजन लॉगिन वाला ऑप्शन है, यहाँ से जो बेनिफिशरी है या जो बेनिफिशरी के गार्जियन है वो यहाँ से लॉगिन करके अपना खुद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो PMMVY वाला जो ऑप्शन है यहाँ से जो सुपरवाइज़र मैम है, डाटा ऑपरेटर हैं, या फिर बताया जा रहा है कि सेविका भी यहाँ से खुद से लॉगिन करके जो बेनिफिशरी है उनका रजिस्ट्रेशन कर सकती है। हालांकि ये नया पोर्टल है, जैसे कि अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है कि सेविका भी कर सकती है। अगर करती है तो इसके रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जानकारी दी जाएगी। हालांकि मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है। सारी प्रोसेस वही रहेगी जो सिटीजन लॉगिन कर सकते हैं या LS मैम करती हैं या फिर जो डाटा ऑपरेटर करते हैं, सेम टू सेम सेविका भी इस प्रकार से जो बेनिफिशरी हैं उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकती हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ ID पासवर्ड है आपको यहाँ पर जनरेट करके दे दिया जाता है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकती हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसको डाल के आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं सिटीजन लॉगिन वाले पे क्लिक करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है, जो सिटीजन है यानी जो लाभार्थी है वो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगी और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगी। चलिए यहाँ पर हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो बेनिफिशरी रहेंगी या जो बेनिफिशरी के गार्जियन रहेंगे वो अपना यहाँ पर नाम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन विथ बेनिफिशरी, यहाँ पे आपको दर्शाना होगा कि जो बेनिफिशरी है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ पे दर्शा देना है एरो पे क्लिक करके, ठीक है। जो भी रिलेशन हो, यहाँ पे सभी रिलेशन दिए गए हैं, सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बेनिफिशरी का अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, जो अभी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक OTP आपके
इस मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे OTP आ चुका है। इस OTP को डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो OTP नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को जैसा लिखा गया है, जो कैपिटल लेटर है, जो स्मॉल लेटर है, सेम टू सेम उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक कर देना है। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज का एक ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप फॉर्म हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो इंग्लिश यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम अभी फ़िलहाल के लिए हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक होम पेज आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका जो डाटा एंट्री है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस डाटा एंट्री वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद जो आपका पेज है, जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है वो फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज है हिंदी सिलेक्ट किया था, लेकिन हिंदी सिलेक्ट होकर नहीं आया है। फिर से हम यहाँ पे इस लैंग्वेज को हिंदी में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम इस लैंग्वेज को हिंदी में सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में ही सिलेक्ट होकर आ रहा है। हालांकि ये न्यू पोर्टल लॉन्च है, धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है तो हिंदी में भी आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेस है वो सेविका भी इसी प्रोसेस से यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उनका रजिस्ट्रेशन कर सकती है, या फिर जो बेनिफिशियरी है वो भी इस प्रकार से जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इस स्टेप को फॉलो करके यहाँ पे खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल में क्या भरना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इज़ बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, यानी कि ये जो बेनिफिशियरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट से कोई एम्प्लॉय है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है, वरना इसको नो ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग फॉर, यानी किस बच्चे के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग फर्स्ट बच्चे के लिए ही अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है, सेकेंड चाइल्ड गर्ल, यानी कि जो दूसरी बार अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके लिए भी हम यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि पहले बच्चे के लिए तो यहां से जो हम लोग फॉर्म अप्लाई था वो हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहां से जो दूसरे बच्चे का जन्म होता है यानी कि वो लड़की होती है, तो आप लोग सेकेंड बच्ची के लिए यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से जो फर्स्ट बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में भेजी जा रही थी, अब यहाँ से अब उस लाभार्थी को 2 ही किस्तों में जो 5,000 की राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत नियम में बदलाव किया गया है। तो अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट बच्चे के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट पे ही रहने देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले फर्स्ट के लिए बता देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन यानी कि इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे कि फर्स्ट बच्चे के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 ही रहने देना है। ठीक है, 0 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उनके पास आधार कार्ड है या नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। बेसिकली आजकल सभी लाभार्थियों के पास आधार मौजूद रहता है, तो यहाँ पर यस ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम जिस प्रकार से आधार कार्ड पे नाम रहेगा उस नाम को यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे एक ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है कि नेम एज इन आधार एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर शुड बी सेम, जैसा कि आधार कार्ड पे नाम है
वैसा ही जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें भी वो नाम मैच होना चाहिए, तभी जो बेनिफिशियरी का पैसा है उनको उनके खाते में भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी का खाता है उनका आधार कार्ड से खाता लिंक होना चाहिए, तभी जो इनका पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से उनको भेजा जाए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो बैंक अकाउंट में उनका आधार कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है उसको ज़रूर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, 12 अंकों का जो आधार डिजिट होता है उसको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उनका ही डालना है। डेट ऑफ बर्थ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैलेंडर है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बेनिफिशियरी का जन्म 1993 में हुआ है और जो डेट है वो हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही उसका एज यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 30 इयर्स यहाँ पे सिलेक्ट होके ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि जो ये बेनिफिशियरी है वो किस श्रेणी से आती है, तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। अगर SC ST कास्ट है तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अदर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो बेनिफिशियरी है वो अपना मोबाइल नंबर या अपने परिवार का कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे एलिजिबिलिटी प्रूफ यानी कि इसके साथ आप लोग कौन सा प्रूफ दे रहे हैं उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 8 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो खुल के आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है मनरेगा कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड अगर उनके पास है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ई श्रम कार्ड अगर उस लाभार्थी ने बनवाया है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर बेनिफिशियरी जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड उनको उन्होंने अगर बनवाया है तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर BPL में राशन कार्ड है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर कोई जो बेनिफिशियरी है जैसे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी है जैसे कि दिव्यांगजन है तो उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर जो होता है, जो सर्टिफिकेट आप लोग लगा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप लोग दे रहे हैं उसमें आइडेंटिटी नंबर होता है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है और यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करके जो उसका फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी खुल के आ जाएगा, फ़ोटो कैप्चर करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो कैप्चर करके उसी वक्त यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि MCP कार्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है जिसमें कि MCP कार्ड नंबर यहाँ पे जो होता है ID होता है RCH ID उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट कि उन्होंने कब इस कार्ड को रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP डेट उनका कौन सा था, MCP कार्ड पे वो डेट होता है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एटेंटल चेकअप ANC डेट जो होता है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो चेकअप होता है वो यहाँ पे उसका डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, हैज़ द चाइल्ड बीन बॉर्न, क्या बच्चे का जन्म हो चुका है। अगर बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद भी आप यहाँ पे जो ये फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही नो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन का हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी बच्चे का जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे सेलेक्ट करेंगे और जो शहरी क्षेत्र से हैं वो यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। स्टेट यहाँ पे आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ब्लॉक डाल देना है, विलेज डाल देना है और जो पिन कोड है आपके एरिया का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है अकाउंट डिटेल्स, यानी कि आपको अकाउंट डिटेल्स भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि यहाँ पे IFC कोड पूछ रहा है तो IFC कोड जो होता है वो हर ब्रांच का एक अलग अलग IFC कोड होता है, हर बैंक का अलग अलग IFC कोड होता है, तो उस IFC कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद जैसे ही आप लोग चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच नेम और बैंक नेम ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको नीचे सिर्फ यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है जो बेनिफिशियरी का वो अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कि अगर दूसरी बार किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके लिए करना क्या है। यहाँ पे सेकेंड
गर्ल चाइल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रेन का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन, इसमें आपको यहाँ पे दर्शाना है कि पहले एक बच्चे का जन्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो का ऑप्शन हट गया है, यानी कि एक बच्चे का जन्म होने के बाद यहाँ पे सेकेंड जो बच्ची जन्म ली है उसका हम लोग यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे जो हैज़ द चाइल्ड बीन बॉर्न का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यस वाले पे क्लिक करना है और जो बच्ची का जन्म तिथि है उसको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से जो PMMVY 2.0 का ये जो नया डैशबोर्ड है यहाँ पे काम किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि PMMVY का जो नया डैशबोर्ड है उस पर कैसे काम किया जाएगा और किस प्रकार से जो बेनिफिशरी है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब जैसे कि जो सेविका है आगे चल के उनको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है यानी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उनको दिया जाएगा, तो वो भी अपना यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है वो बेनिफिशियरी का आसानी से कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।